ये जो बाइक है ये है मोस्ट लोडेड यामाहा MT15 जो आपको देखने मिलने वाली है। और एक बार लोकेशन देख लो, फिलहाल सारा मार्केट बंद पड़ा है, लोकेशन देख लो। सबसे मेन है ना वो हनुमान जी की मूर्ति आपको दिख रही होगी, ये देखो वो जो हनुमान जी की मूर्ति है ना आपको, सबसे मेन है वो। ये हमारी शॉप के जस्ट अपोजिट है, आपको आना कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ आना है आपको हनुमान जी की मूर्ति पर। और उसके बाद आपको आना है इस उस हनुमान जी की मूर्ति के बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी एक हनुमान जी की मूर्ति दिखेगी जो कि मिलेगी आपको अपने राजू भाई की शॉप पर। वैसे तो ना इसके अंदर बैंड पाइप लग चुका है, देख सकते हैं आप, ये इसका फुल सिस्टम बैंड पाइप है जो कि इसके अंदर लग चुका है। और अब इसके अंदर सुनाते हैं एग्जॉस्ट की साउंड और फिर दिखाएंगे आपको पूरी गाड़ी की मॉडिफिकेशन कि इसके अंदर क्या क्या हुई है। तो फिलहाल हमने लगाया है एयरक्राफ्ट का आपका ये बेसिक जो कि इसकी साउंड सुनाते हैं किस तरह की साउंड आने वाली है, सुनाइए। नेक्स्ट ये है एकरा का डबल बैरल, इसकी सुनाते हैं साउंड कैसी इसके अंदर आने वाली है। और अब सुनाते हैं कोई और दूसरा जो कि आपको मिलता है एकरा पॉविक का 6 कट, इसकी सुनाते हैं साउंड कैसी इसकी आने वाली है, सुनाते हैं इसकी साउंड। और अब सुनाता हूँ आपको यशुमुरा USA E47। और अब मैं सुनाता हूँ आपको एक और जो कि है SC प्रोजेक्ट, वो सुनाता हूँ आपको साउंड जो कि आपने सुपर बाइक वगैरह के अंदर देखा होगा लगा हुआ है, गोल्डन कार्बन। और दूसरा इसी का एकरा पॉविक का मिलेगा शॉटगन, वो भी दिखाऊंगा आपको, पहले ही सुनाता हूँ इसका SC का। नेक्स्ट अब मैं सुनाता हूँ आपको एकरा पॉविक का टाइटेनियम, जिसकी साउंड आपको सुनाते हैं कि किसके अंदर कैसी आने वाली है। बहुत ही खतरनाक। नेक्स्ट अब सुनाते हैं आपको LUENC की जो कि मिलता है आपको स्टेनलेस स्टील वाला पूरा, इसकी सुनाते हैं साउंड कैसा। और अब सुनाता हूँ आपको इसकी साउंड जो कि है आपकी एकरा पॉविक R9, इसकी सुनाते हैं साउंड। ये तो जिसको दिखा दो पसंद ही कर लेते, कुछ पसंद आया वैसे आपको? अच्छा सब अच्छा था, मतलब ये तो अच्छा लगता है सबको। और अब देखते हैं इनमें से भैया कौन सा पसंद करते हैं, क्योंकि इतने सारे एग्जॉस्ट निकाले हैं, रेंज तो बहुत सारी है लेकिन ना ज़्यादा सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिलहाल हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे पूरी गाड़ी की मॉडिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारी मॉडिफिकेशन। ये है ना ये जो बाइक है ये है मोस्ट लोडेड यामाहा MT15 जो आपको देखने मिलने वाली है। तो वीडियो बने रहने, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, राजू भाई SKD। सामने यामा MT15 और ये है मोस्ट लोडेड, दुनिया की मोस्ट लोडेड बाइक है जो MT15 दिखाने वाला हूँ। और पहले तो आप शक्ल देख लो इसकी, क्या ज़बरदस्त लग रही है। इसे कहते हैं यामा MT15 की लोडिंग वाला वर्क जो कि आपको देखने मिल रहा है इसके अंदर। और अब मैं बताता हूँ एक एक करके इसके अंदर किया क्या क्या गया। सबसे पहले फ्रंट से देख सकते हैं तो देखने मिलेगा इसके अंदर वाइजर जो कि लगा देगा गोल्डन प्लस ब्लैक की मैचिंग के साथ। ये मिलता है आपको एल्यूमिनियम का प्लस अंदर इसका होता है मेटल, तो MS और ये आपका हो गया एल्युमिनियम। तो ये इसका लगा दिया गया इसके अंदर वाइजर जो कि आप लुक चेक करोगे जबरदस्त सारे से लगने के बाद। साथ में आपको देखने मिलेगी इसके अंदर विंगलेट जो कि है ब्लैक कलर की, कोई और कलर नहीं, ब्लैक कलर की लगा दिया गया इसके अंदर। और नीचे आपको देखने मिलेगी इसके अंदर ब्लूटूथ वाली लाइट्स, ये देखिए चाबी ऑन करते हैं, ये आपके ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा एंड में इसका कि ब्लूटूथ से कैसे चलती है। और इसके बाद आपको आईज में भी आपको मिलते हैं ब्लूटूथ वाली, इसका कनेक्शन दिखाऊंगा बाद में। और उससे पहले दिखाता हूं आपको और जो इसके अंदर बहुत कुछ किया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसकी DRL बॉडी DRL यामा MT15 की ब्रांडिंग के साथ जो किधर मिलती है।
सेम मिलती है आपको इस तरफ, दोनों तरफ देख सकते हैं। अभी इंडिकेटर चल रहे हैं तो इंडिकेटर वर्किंग है। ये देखिए इसमें बट लगा देगा बटन, ये बटन है इसके अंदर टू इन वन वाला, इसमें आपको एक मल्टी कलर होता है इसके अंदर, और इसको अगर आप बटन बंद करेंगे इंडिकेटर वाला पैटर्न ऑन करेंगे तो ये आपको इंडिकेटर पैटर्न आता है। ये इसके मल्टी कलर जो कि आपको देखने मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से इसके। और अब इसको करते हैं ऑफ, अब दिखाते हैं आपको इसकी ये वाली लाइट, इसका दिखाते हैं आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ये आपने बहुत ही कम गाड़ियों में देखा होगा जो कि आपको देखने मिलेगा। ये देखिए जितनी जैसे मर्जी जो मर्जी कलर इसके अंदर आप सेट कर सकते हो, और ये यहाँ पर भी लगी है और सेम इसके अंदर लगा दी गई आई, इसके अंदर आई डिजाइनिंग बनाई गई है, साथ में इसके अंदर भी लगा दी गई है यही वाली लाइट्स। कलर आप देख सकते हो जो मर्जी आप इसके अंदर कर सकते हो, आरजीबी वाली जो कि मिलती है आपको, ब्लूटूथ सिस्टम इसके अंदर कर दिया गया है। और अब इसके बाद दिखाते हैं आपको इसके अंदर जो कि आप देखने मिलते हैं फॉग लैम्प, ये है आपकी मिनी ड्राइव, वो भी फाइव फीचर वाली मिनी ड्राइव्स हैं जो कि आपको देखने मिलती है। ये आपको देखने मिलेगी, देखिए वाइट, ये आपका हो गया रेड, ये आपका हो गया फिर येलो, ये हो गया आपका येलो वाइट, और ये हो गया आपका ब्लिंकर। रोशनी बहुत ज़बरदस्त इसके लगने के बाद, रोड प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इसे लगने के बाद। इसके बाद आपको देखने मिलेगी इसके अंदर, ये इसकी ऑयल कंटेनर जो कि देख सकते हो आप, सेम इधर दोनों जगह लगा दी गई है, हाइड्रोलिक नहीं है, जस्ट फॉर ऑयल कंटेनर। और इसके अंदर लाइट भी जलती है, देखो ये देखिए इसके अंदर लाइट भी ऑन हो चुकी है, जब हम इसे जलाएंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, और ये कुछ ज़्यादा ही रेडिश इसके अंदर नज़र आने वाला है इसे लगाने के बाद। और साथ में मिलते हैं इसके अंदर लीवर गार्ड जो कि आपके लीवर को करता है पूरी तरह से प्रोटेक्ट, और कलर देखिए आप गोल्डन प्लस आपका कार्बन ये मैचिंग का दिया गया है इसके अंदर। साथ में आपको मिलेंगे हैंड ग्रिप, ये भी आप गोल्डन और ब्लैक की मैचिंग के साथ है। इधर आपको मिलते हैं ये देख सकते हैं ये बार एंड मिरर जो कि ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के आपके जो सारा अलमार लगा है। साथ में मिलेगा फोल्डिंग प्लस एडजस्टिंग वाले लीवर, ये भी आपको गोल्डन है, इसमें गोल्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया क्योंकि गोल्ड के अंदर जो ना ये इसके शॉकर्स हैं इसकी वजह से ज़्यादा गोल्ड अच्छा लगता है, तो सारा कुछ इसके अंदर करा गया गोल्ड 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 गोल्ड। तो आप देख सकते हैं ऑल ओवर लुक फ्रंट से नोटिसेबल वाली है जो कि आप देख सकते हैं इसके अंदर। मास्टर अंडक है ये भी गोल्डन है, ईयर डक ये भी गोल्डन है। और अब आते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे देखने मिलेगा आपको इसके अंदर MT15 की ब्रांडिंग के साथ मिलता है फॉग प्रोटेक्शन फॉक्स रेडर, ये होते हैं फॉग प्रोटेक्शन ये फॉक्स रेडर जिससे आपकी लुक भी इनहेंस हो जाती है। इसके साथ में आपको मिलता है इसकी सेफ्टी मरगार्ड की और शॉकर की, इधर आपको मिलता है डिस्प्ले की, ये होती है फुल सेफ्टी जो कि आपको देखने मिल गई। और इसके बाद आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, अमूमन क्या होता है ये देखिए इधर डिस्प्ले लगी होती है जो कि इसके अंदर लगी हुई है पहले से कंपनी की। अब हमने इधर लगा दिया एक और डिस्प्ले जो कि आप हमारी वीडियोस में देखते हो ज़्यादातर, ये होता है प्रॉपर काम जो कि आपको देखने को मिल जाएगा हमारे पास। ये भी इसके अंदर एक्टिव नहीं है बट लुक काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है इसे लगने के बाद। इधर आपको मिलते हैं देख सकते हैं ये हैं इसके व्हील कवर जो कि भैया ने ऑनलाइन मंगाए थे, कलर चेकआउट करो रिम से पूरा मैच करता हुआ है, ऐसा लग रहा है इससे रिम ही पूरा इसी का हो, बट ये व्हील कवर जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और इसके अंदर लगाया गया मोबाइल होल्डर BSDP का जो देखने मिलता है आपको, ये आपका फास्ट चार्जिंग वाला 3.0 फास्ट चार्जिंग के साथ। साथ में आपको मिलता है की कवर जो कि मिलता है ये भी गोल्डन CNC वाला। और इसके बाद देखाऊँ लेमिनेशन जो कि की गई 3 लेयर वाली देख सकते हैं, ये 3 लेयर लेमिनेशन है जो कि देखो मैं उतार रहा हूँ तो पता लग रहा है ऐसे कोई जज नहीं करता की भी गई नहीं की, क्योंकि प्रीमियम वर्क जो होता है वो हमारे पास होता है। इसके बाद आपको दिखाऊंगा इसके अंदर देख सकते हैं ये क्रैश गार्ड जो कि इसमें लगा देगा, इससे आपकी पूरी बॉडी होते प्रोटेक्ट, साथ में आपके लेग भी प्रोटेक्ट। ये आपका जैसे आपके ईयर डक के कवर है उसी तरीके से आपका जो इंजन काउल है, इंजन काउल का ये जाली मिल जाती है दोनों तरफ, इधर भी सेम मिलते हैं आपको इस तरफ भी देख सकते हैं, दोनों तरफ आपको देखने मिलेगी इसकी। साथ में स्टैंड जैकेट जो कि स्टैंड को करता है पूरी तरह सेफ, साथ में कहीं भी खड़ी करते हो स्टेबल आपकी खड़ी हो जाती है। इधर आपको मिलता है चेन कवर जो कि यहाँ है MT15 की ब्रांडिंग के साथ मिलता है आपको, ये भी लुक देख लो गोल्डन है तो गोल्डन के साथ काफ़ी ज़बरदस्त लुक आ जाती है। इधर मिलता है आपको टैंक पैड जो कि MT15 का लगा दिया गया है। और इस तरफ आइए, इस तरफ दिखाता हूँ आपको फिर से वही मास्टर अंडर कैप जो आगे थी वही पीछे भी मास्टर अंडर कैप लगा दी गई है। और इसके बाद आपको देखो ब्लिंकर, चाबी ऑन करने का ब्रेक दबा दो तो ये देखिए रेड ही लगा दिए गए पूरे, ये पूरे रेड नॉट रेड ब्लू रेड इसके अंदर लगा दिए गए आपके जो कि लुक काफ़ी ज़बरदस्त जैसे लगने के बाद। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर शार्प फिल्म गार्ड जो कि देखने को मिल जाएगा आपको, देख सकते हैं इससे आपका पूरा का पूरा होता है शॉकर सेफ इसलिए क्योंकि जितनी डस्ट हो सारी जाके आगे लग जाती है, ये उसको पूरा करता है कंट्रोल डस्ट को जिससे कि आपका शॉकर हो जाता है पूरी तरीके से, डस्ट जब भी आके जम जाती है ना तो ज़्यादा जमने के कारण शॉकर दब दब के अंदर उसकी सील कट जाती है, सील कट गई तो वो ख़राब हो जाता है, तो उसको करता है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट, फुली प्रोटेक्शन चीज़ें लगा दी गई इसके अंदर। और आपको दिखाऊंगा इसके अंदर बैक लाइट ही देख सकते हैं, ये इसकी बैक लाइट जो कि आपको देखने मिलेगी कुछ इस तरीके से, इसमें आप कलर चेंजिंग अपने आप भी कर सकते हो इसके अंदर दिया गया है जो कि अंदर लगा दी गई, सीट खोलूंगा नहीं अभी मैं आपको, बाकी ये इसके अंदर लगा दे ब्रेक मारेंगे तो देखने मिलेगा आपको, देख सकते हैं
ये ब्रेक में आपको देखने मिल जाएगी। और अब देखिए मैं दिखाता हूँ इंडिकेटर, इसके अंदर ही मिलेंगे आपको। ये देखिए ये रहा इसका इंडिकेटर, ये रहा इधर इंडिकेटर, और ये आपके RCB की ओरिजिनल टेल लाइट जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है। और अब सुनाता हूँ सबसे मेन, जो कि आपने स्टार्टिंग में साइलेंसर की साउंड सुनी थी, अब मैं सुनाता हूँ इसके अंदर कि इसके अंदर लगाया कौन सा। इसके अंदर लगाया है R9 का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट जो कि बैंडपाइप के साथ है। ये देखिए आगे से लेकर पीछे तक पूरा बैंडपाइप इसके अंदर देखने मिलेगा आपको, जो कि लुक इसकी काफ़ी एनहांस कर देता है, साथ में साउंड भी काफ़ी ज़्यादा इसकी बढ़ जाती है देखिए। और अभी DB के लिए लगाया हुआ है, इसके अंदर DB के लिए लगा रखा है, बिना DB के लिए और भी साउंड इसकी बढ़ जाती है। साथ में इसमें लगाया गया इंडिकेटर हैजार्ड जो कि आपको देखने मिलता है कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए राइट लेफ्ट पुश करके ये आपके पैटर्न हो जाते हैं एक्टिवेट, ये देख सकते हैं। ये होता है आपका सिमटेक, और जब भी खराब होता है तो आपको इसकी मिलती है 1 साल की पूरी गारंटी, और काउंटर प्लेसमेंट में होता है आपका, जब भी खराब हो सीधा आप लाइए कार्ड और ला के चेंज करा लीजिए हमारे पास से। और इसके अंदर दिखाता हूँ एक और बहुत ही सेफ्टी वाला फीचर्स जो कि मिलता है आपको, देख सकते हैं ये इसका रेडिएटर गार्ड जिससे आपका रेडिएटर होता है पूरी तरह से, पर ये भी आपको लगा दिया गया गोल्डन कलर का। गोल्डन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया इस बाइक पर जो कि आप देख सकते हैं। और ये है मोस्ट लोडेड आपकी यामाहा MT-15। और एक चीज़ और जो कि मैं बताना ही भूल गया क्योंकि लाइट ऑन है, इसलिए अब करता हूँ लाइट ऑफ। तो अब इसके अंदर आपको देखने के मिलेंगे इसके अंदर इसके पंख जो कि एंजल्स विंग्स लगा दिए गए हैं इसके अंदर। लुक चेकआउट करो क्या ज़बरदस्त आ रही है, अभी अंधेरा कर रखा है, अंधेरा करने के बाद कैसी लुक आती है इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त अल्टीमेट लुकिंग आती है इसकी विंग्स की, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो कि कितनी ज़बरदस्त आ रही है। इसके अंदर कलर अपना सारे ही अवेलेबल है, कोई सा भी कलर आप इसके अंदर हमसे ले सकते हो, चाहे आप रेड लो, चाहे ब्लू लो, चाहे लो ग्रीन, और वाइट तो आपने देख ही लिया है। और अब करते हैं लाइट ऑन, और अब मिलवाता हूँ इस बाइक के ऑनर से कि उनको काम कैसा लगा और कहाँ से आए हैं भैया बाइक लेकर। ये मैं बताना भूल गया, भैया ने बाइक जो थी वो दिल्ली से बाय करी थी, बट दिल्ली से बाय करके भैया बॉम्बे में रहते हैं और बॉम्बे से ही से लेकर आए हैं बाय कोरियर। तो आइए भैया। तो हेलो भैया। हेलो। तो आप कैसे हैं और कहाँ से बाइक लेकर आए, वो जो कि मुझे बताया मुझे बहुत। बाइक मैंने संगम विहार से ली है, और बेसिकली मैं जॉब बॉम्बे में करता हूँ तो वहाँ पे मैं अपना लेके गया था, और बाइक की भाई के यहाँ भैया के यहाँ से काम जितना भी मैंने कराया सब अच्छा कराया, इसलिए मुझे दोबारा अच्छा लगा यहाँ आने का, और जिससे कि अभी मैं और भी मॉडिफाई करवाया। जैसे भाई का काम भैया का काम है वो भी एक नंबर है, एकदम बढ़िया है। अब सोचो कि भैया बॉम्बे में चाहते तो करा सकते थे, ऐसा नहीं कि वहाँ मॉडिफाई शॉप नहीं है, बट यहाँ आने का रीज़न है कि नंबर वन क्वालिटी रहती है, काम अच्छा रहता है, टाइम लगता है लेकिन काम अच्छा होता है। रात के बज रहे हैं 11, समझिए रात के 11 बजे टाइम देख लो, रात के 11 बज रहे हैं, और 11 बजे हम वीडियो बना रहे हैं, सोच सकते हैं कि भैया कितने बजे आए होंगे, कितने बजे काम स्टार्ट हो रहा है। 12 बजे से आया हुआ हूँ, काम पूरा चालू है, इसमें सिर्फ मेरी गाड़ी में 4 लोग लगे हैं, काम पूरा एक नंबर होके हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी इशू नहीं है। तो अगर ऑल अबाउट ऑल इंडिया से आना तो क्या रिकमेंड करेंगे आप हमारे लिए? कभी भी कोई भी आए तो वक्त लेकर आए, काम एक नंबर क्वालिटी मिलेगा, आप वापस आएंगे, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। गारंटी तो भैया ने गारंटी भी ले लिया साथ में कि भैया यहाँ पर वापस रहोगे अदर काम कराने के लिए, गारंटी भैया ले रहे, तो आप समझ सकते हैं कि ये रिकमेंडेशन ऐसे ही होता है कि भैया जिसने काम कराया है उसको पता होता है। रिटर्न कस्टमर हमेशा वही होता है जो पूरे से पूरा सेटिस्फाइड होता है शुरू से लेकर एंड तक, जैसे कि भैया ने बताया कि भैया सेटिस्फाइड है हमारे से, हमारे काम से। तो आपको भी अगर कराना है ऐसे ही काम तो आपको ना दिल्ली के नायवलन करोल बाग, जो कि हमारा बैक साइड मिलेगा 36 नंबर के लिए, फ्रंट में जाओगे तो मिलेगा आर्य समाज रोड, एक हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी आपको हमारे झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के सामने गोल चक्कर पर, और एक मिलेगी हमारे बोर्ड पर जो कि मिलती है राजू भाई की शॉप। तो जब भी ये नाम देख कर रहे हैं कि बोर्ड देख कर रहे हैं कि बालाजी की फ़ोटो आपको जरूर देखने मिलेगी राजू भाई की शॉप पर। तो लोकेशन वगैरह जो है बाकी डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप चाहो तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लोकेशन मंगा सकते हो और आप ईजिली आ सकते हो। तो वीडियो चले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें राजू भाई SKD को। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।